2021 और आज चौथे दिन का खेल वर्षा के कारण बाधित लेकिन आकाश वन पर आते हैं लेकिन अभी भी कुछ नहीं कह सकते इस टेस्ट मैच में किस सोमवार रुक जाएगा क्या पता एक्सपर्ट बताएं ड्रेसिंग रूम लंच और प्रोग्राम <laughs> Thank you so much, Amit. Good evening. And a very warm good evening to all our listeners over here as we bring to you dressing room lunch hour. We are of course having a pretty gloomy day out over here. If you look at the conditions in Southampton, to discuss more about that, I'm joined over here by senior sports journalist and critique Chandra Luthra. Lutra. Good evening, Lutra ji. welcome. Evening. And we are joined in the studios by former India International Cricketer Vijay Dahiya. Good evening, Vijay. Aapka good evening. Swagat hai. Thank Aor you so much. Yeah. Vijay, aap crystal ball gazing karke bataiye is फाइनल मुकाबले में क्या होगा बारिश रुके तो फिर कुछ हो अमित बारिश और ये जो बारिश का सिलसिला है ये पहले से भी अगर आप देखें मैच शुरू होने से 10-15 दिन पहले ही जब छठा दिन जोड़ दिया गया था ना अक्सर वैसा होता नहीं है अगर तभी छठा दिन जोड़ दिया गया था तो कहीं ना कहीं ये शंका थी कि शायद यहाँ पर कुछ दिक्कत होने वाली है और इसकी वजह से आप एक अतिरिक्त दिन जोड़ना चाहते थे अगर आप इतने दिन पहले छठा दिन जोड़ सकते थे तो शायद आप इतने दिन पहले वेन्यू भी बदल सकते थे hmm. वो एक चीज़ हर किसी के जहन yes. में है कि अगर इतनी बड़ी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पहली बार आईसीसी ने कुछ इस तरीके का इनिशिएटिव लिया hmm. दो साल से अगर आप पिछले देखें तो इसके बारे में जद्दोजहद चल रही है बीच में पॉइंट सिस्टम चेंज किया गया ये डिसाइड करने के लिए कि कौन नंबर वन टीम होगी क्योंकि अब तक अगर आप देखिए तो टी ट्वेंटी और पचास ओवर क्रिकेट में आप वर्ल्ड चैम्पियंस के बारे में बात करते थे टेस्ट में इस तरीके की पहल पहली बार देखी गई थी

I would say one year back or Gee. two years back, there was a system of bidding there. Okay. It was not a rotational system like what mm -hmm. India has right now. I'm not sure Vijay right mm -hmm. now whether that system has changed or, or not. Initially, till one year back or two years back, when when I remember the last.

शुरू करते हैं आप लॉर्ड से शुरू करते हैं वहां आप खेल चुके हैं तो वहीं पर अगर आप न्यूजीलैंड से दोबारा इंडिया के साथ खेलते ना तो बहुत बड़े जो ज्ञानी है पूरे वर्ल्ड में हुँ। हुँ। वो ये कहने लग जाते कि एडवांटेज न्यूजीलैंड है वो ऑलरेडी लॉर्ड्स में एक मैच खेल चुके हैं तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत भी हो सकती है तो उस लिहाज से काफी सारी चीजें समझनी पड़ती है लेकिन शेखर दो तस्वीरें हैं अब आप चॉइस कर लीजिए आप कौन सी तस्वीर पे नैरेटिव देंगे एक तो है कि कवर्स हैं और उसके ऊपर ये छोटी छोटी गाड़ियां चल रही हैं आप उस पर बोलना चाहेंगे दूसरा ऑप्शन कि स्टैंड में अभी भी अभी भी पूरी चे, आशा चे, और उम्मीद के साथ कई स्पेक्टेटर्स हैं छाते के नीचे एंजॉय कर रहे हैं वो तस्वीर बेहतर है देखिए मेरे लिए वो तस्वीर <laughs> ज़्यादा बेटर है क्योंकि देखिए क्या जज्बा है और hmm. क्या किस तरह से झील कह लीजिए आपका yes. आप देखने आए और पूरा पैसा वसूल करना चाहते हैं hmm. लेकिन आई एग्री विद विजय कि वहाँ पर पैसा वापस होता है ये एक अच्छी चीज़ है कि अगर आपका मैच नहीं हुआ तो आपको गेट मनी वापस हो जाएगी विच इज़ ऑल्सो ए गुड थिंग बट ओवरऑल मुझे नहीं लगता आज अमित कि आज मैच कुछ होने वाला है अब जो भी होगा कल कल भी बहुत कम अब ये में आपको होगा। क्या ने, ने, पर पे जाएंगे, अगर तक नहीं मुकाबला होता है इसमें ना मैच रेफरी दोनों टीमों के कप्तान और जो अंपायर है ऑनफील्ड अंपायर उनके पास ये सारा जिम्मा रहता है कि यार अगर हम छठे दिन जाना चाहते हैं तो किस लिए अगर एक पारी भी खत्म नहीं हुई है पहले पाँच दिन में तो फिर वो रिजल्ट निकल रहा है तब आप आगे जाने की कोशिश करेंगे कई ऐसे नियम हैं जिनका अभी हमें पूरी तरीके से ज्ञान इसलिए नहीं है क्योंकि वो बदलते रहते हैं कंडीशन के हिसाब से तो जैसे छठा दिन डाला गया वो भी इसीलिए डाला गया कि टेस्ट चैंपियनशिप है कहीं इसमें बिगन पड़ जाए तो कम से कम खत्म तो हो लेकिन अगर पाँच दिन में एक इनिंग नहीं हो रही है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप उस खेल को छठे दिन भी ले जाना चाहें वो वो देखने वाले और, और इसीलिए आईसीसी ने अभी तक नहीं किया कि छठा दिन होगा या नहीं हो। हाँ बिकॉज exactly, वो लास्ट के एक घंटे में कल ही पता चलेगा कि क्या डिसाइड होता है लूथरा जी मैं ये पूछूंगी आपसे उस केस में कि रिजर्व वेन्यू रखने का क्या कोई कॉन्सेप्ट आना चाहिए जब देखते हैं <laughs> हम कि ऐसा होने वाला है शुड दे बी <laughs> आसान kind of नहीं है ये आसान नहीं है क्योंकि इतने लॉजिस्टिक्स चीजें इन्वॉल्व है कि आपको टीवी करना है आपको होटल जो से, हर एक चीज का ये वर्ल्ड कप में कई बार एक आधी बार Correct. ऐसा इंस्टेंस भी हुआ है तो उसमें उसमें ये है की आपको कम से कम तीन दिन से ज्यादा वो वक्त लगाइड करने में और उसमें भी अवेलेबिलिटी बहुत मैटर करती है तो ये सब कुछ आसान नहीं है इनफैक्ट जब अभी आई में भी हो रहा था विजय अगर आपको याद हो कि वेन्यूज दिल्ली और जब अहमदाबाद में के सीओ की बॉम्बे चले जाओ तो उससे पहले वो उस सब कुछ वो जुगाड़ लगाया जा रहा था कि, कि कितने होटल खाल लिये हैं क्या हमें चार होटल्स मिलेंगे क्या वो हम इस तरह से पूरा मूव कर पाएंगे तो ये सब कुछ इतना लॉजिस्टिक्स आसान नहीं है जी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है इसमें वो जो बायो बबल की दिक्कत है ना वो बायो बबल कहीं और तीन या चार दिन में बनाना नामुमकिन है तीन साल पहले भारत में ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका इंडिया ये थी वो विजयवाड़ा में हो रही थी वहां पे बारिश हुई लगा था दो मैच के बाद वो पूरी सीरीज एक हफ्ता रोक के बैगलोर शिफ्ट कर दी गई थी कुछ महीने को आमंत्रित करना चाहेंगे यदि आप विजय दहिया और चंद्रशेखर लूचरा जी से कोई सवाल करना चाहें तो आप हमें फोन कीजिए स्टूडियो के हमारे नंबर्स नोट कर लीजिए शून्य एक एक नंबर है दो तीन चार दो एक शून्य आठ तीन दो तीन चार दो एक शून्य आठ चार जी अमित और हमारे साथ यहाँ पर इस समय दो कॉलर जुड़ भी रहे सबसे पहले सुनते हैं या जानते हैं क्या कहना चाहते हैं हमारे फर्स्ट कॉलर हाई गुड इवनिंग नमस्कार जी नमस्कार गुड इवनिंग बताए जनाब क्या है आपका नाम कहाँ से आप कॉल कर रहे हैं और क्या है आपका सवाल जी मैं कच्छ गुजरात से मुस्तक मुतवा बोल रहा हूँ मुस्तकीम जी आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है बताए क्या सवाल धन्यवाद जी टेस्ट मैच तो शुरू होगा कि नहीं होगा लेकिन गुजरात में कॉमेंट्री कहीं भी नहीं आ रही है में रेडियो पे कॉमेट्री आनी चाहिए हम बार बार बोल चुके हैं तो क्यों नहीं आती है जी हमारे लोकल रेडियो स्टेशन के आनस पे सभी जगह कॉमेंट्री जा रही है अगर आपको पता करना है तो आप जाके वहाँ के अपने लोकल रेडियो स्टेशन पे पता कर सकते हैं बाकी तो हम हर जगह टेलीकास्ट कराए रहे आइए दूसरे कॉलर की तरफ चलते हैं अब हमें जी हेलो हेलो नमस्कार अमित सर नमस्कार जी विकास कुमार बोल रहा हूँ जी, जी, बड़ी उम्मीद है आप बताइए साउथ में बारिश कब रुकेगी <laughs> <laughs> सर कल और परसों मैच होने की संभावना है अब दो दिन अगर सपोज कीजिए दो दिन पूरा मैच भी हो गया तो रिजल्ट आना तो मुश्किल है क्योंकि धूप निकलेगी तो पिच और स्लो होगी तो फिर मुश्किल है सर रिजल्ट तो मुश्किल अगर दो दिन भी हो गया कल और परसों तो कोई सवाल करना चाहेंगे जी सर मेरा क्वेश्चन है कि जिस हिसाब से अभी ये सारा मैच स्पॉइल हो गया है और अभी हम बात कर रहे थे टेक्निकलिटी की, की वेन्यू भी चेंज नहीं किया जा सकता लेकिन क्या आगे से आईसीसी को एक प्रोविजन रखना चाहिए कि चलिए ठीक है जितने भी दिन बारिश होगी जैसे टेनिस में होता है कि लास्ट लास्ट सेट में कोई टाई ब्रेकर नहीं होता तो क्या हम दिनों की सीमा को कम से कम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए हटा सकते हैं कि चलिए ठीक है आप आ, आपको आ, पांच दिन का खेल होना होना है तो वो पूरा होगा चाहे कितने भी दिन लगे थैंक यू विकास जी सेम लॉजिस्टिक्स आप देखिए we आपके मैच में कितने bit. दिन का डिफरेंस yes. होता है बिटवीन टू टू थ्री डेज अगर आपने फिर यही करना शुरू कर दिया आपकी पूरी जो रिशेड्यूलिंग है वो कितना मुश्किल होगी आप सिर्फ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप सिर्फ एक मैच है आईसीसी का मैच है लेकिन इसके बाद इंडिया की फाइव मैच सीरीज़ उसके बाद कुछ और मैंने कि ये तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है देखिए बहुत मुश्किल काम है इनफैक्ट जितनी भी बड़ी जो चैम्पियनशिप्स होती है खासकर वर्ल्ड कप हुआ कोई भी उसमें एक रिज़र्व डे रखते हैं सेमीफाइनल फाइनल्स खासकर फाइनल्स के लिए वो इसीलिए रखते हैं क्योंकि वन डे है लेकिन फाइव डे में आप कितने दिन रिजर्व रखेंगे ये तो क्योंकि स्पेशल सीरीज़ है फाइनल uh, है इसलिए वन डे का रखा गया अदरवाइज देखिए वो जो जो हमने जो बीच में कहते हैं ना एक रेस्ट डे भी खत्म किया वो भी किस लिए किया था क्योंकि लोग दो दिन या तीन दिन खेलने के बाद वो एक दिन बड़ा बोर हो जाते थे लोग कहते थे यार क्रिकेट में ब्रेक आ गया तो उस ब्रेक को खत्म करने के क्रिकेट को थोड़ा और ज्यादा चलता करने के लिए और तेज बनाने के लिए वो सब कवायद की गई बट उन्होंने एक चीज और कही थी इन फैक्ट अगर मैंने उनके हमने जो एक कहते हैं ना कि दिनों की जो बाधा होती है वो हटाई दी जाए लिमिट को भेजा मैं आपको लाऊंगी इस बातचीत में आई वु वॉन्ट टू नो बिकॉज वी वर जस्ट डिस्कसिंग लूथरा जी और मैं भी पहले बैठ के कि कैसे उन्होंने एटीज में एक ऐसा टेस्ट मैच खेला तो जो सात दिन not तक टेस्ट मैच इंटर कॉलेज यस इंटर कॉलेज मैच इन फैक्ट वाओ सॉरी वन मिनट जो सेवन डेज गया था तो यहाँ पे जो व्यूअर ने बात रखी कि टाइम लिमिट को या कहें हम डे लिमिट को हटा दिया जाए इनडेफिनेटली डू यू थिंक दैट्स प्रैक्टिकली आल्सो पॉसिबल और फीजिबल इज दैट अ प्रोविजन दैट कैन बी लुक्ड इनटू एक्चुअली नॉट रियली इन दिस कमर्शियल वर्ल्ड एट द मोमेंट देयर सो मेनी थिंग्स एट स्टेक rights TV rights the days that you have mm. booked satellite booking all those mm. things it's, it's not possible we just mentioned about this match mm -hmm. on 23rd within mm -hmm. two days time England is starting a series against uh, Sri Lanka and, it, yeah. yes. and then England's gonna host Pakistan mm. and by the time they finish that then they'll be hosting India yes. so the cricket is non-stop mm. uh, I think uh it's just the first time that we have seen they added an extra mm. day for a test match yes. only because it's such a special test match so I don't see that you know it, it goes on till you get the result. It's, it's not the, the only choice, Vijay, is probably then to to have all the indoor stadiums. <laughs> <laughs> That's the only thing I say. The good can thing can about ICC <laughs> is that you know they take a, they take all these things very seriously mm -hmm. next time around when they know something is happening, mm -hmm. they'll choose a venue with I think I agree with you, you again, Vijay, that yeah. they had time till, you know, say two weeks back yeah. that they could have changed. Mm -hmm. Because In, in, during that time the logistic could have been you know know shifted and all but I don't know what what happened exactly. जी बिल्कुल तो inaugural world test championship के final में अब तक की कहानी आपके साथ एक बार recap कर देते हैं 18 जून को ये मुकाबला शुरू हुआ था जो day वन था तब तो एक गेंद भी नहीं डाली गई यानी पहले दिन का खेल कम्पलीटली वॉश आउट हो गया और उसके बाद दूसरे दिन जब टॉस हुआ तो न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीता और भारत को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया भारत ने अपनी पहली बारी में दो रन बनाए सर्वाधिक अजिंक्य रहाने ने उनचास रन कप्तान कोहली ने चवालीस रन रोहित शर्मा ने विजय चार इनिंग्स खेली हैं बहुत यंग है और दोनों ओपनर इनके लेफ्टेड ओपनर्स हैं आप कैसे देखते हैं शतक जमाया चौवन रन अच्छी पारी कॉन्वे की बहुत अच्छी पारी अगर थोड़ा सा और पीछे जाएंगे तो डेब्यू मैच लॉर्ड्स में शतक जमाया वो भी इंग्लैंड के खिलाफ और अगर आप और दस पंद्रह दिन पहले खेलते हैं ना इंग्लैंड में हमेशा ये कहते हैं कि इंग्लैंड की जो क्रिकेट है इंग्लैंड का जो समर जहाँ से आप क्रिकेट शुरू करते हैं उसको आप दो हिस्सों में बांट सकते हैं फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ फर्स्ट हाफ़ में अगर आप देखें तो जो पिचेस नज़र आती हैं आपको उनके ऊपर अच्छी खासी हरियाली नज़र आती है जो मौसम होता है वो भी कुछ इस तरीके का रहता है और जैसे जैसे क्रिकेट होती जाती है ये देखते फ्लैट होती जाती हैं तो जब आप फर्स्ट हाफ में रन बनाते हैं ना तो आपकी जो उन रनों की अहमियत है या आपकी ऐस एक खिलाड़ी के रूप में जो कीमत है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है Uh, जो पहली पारी उन्होंने लॉड्स में खेली और जिस तरीके से खेली देखिए सौ की तो आप तारीफ़ हमेशा करते हैं लेकिन सौ किस तरीके से बनाया गया वो और ज़्यादा अहम हो जाता है फिर जब आपसे उम्मीद होने लग जाए और उसके बाद आप प्रदर्शन करें तो फिर और ख़ास हो जाते हैं आप तो उन्होंने वो वो चीज़ें बिल्कुल भरपूर तरीके से की हैं पहला बहुत अच्छा खेले और अब तक जितना समर उनके लिए चल रहा है इंग्लिश समर वो बहुत खास है और तो मुझे तो एक ही चीज़ लगती है यहाँ पर जिस तरह विजय ने कहा उनकी वो डबल सेंचुरी कमाल की थी लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है टेम्प्रामेंट एक नया लड़का जो कि आया है वो क्रिकेट में पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई टी ट्वेंटी खेल कर आए होंगे शायद वहां पर कम भी हो रहे होंगे और आई की अब अभी तक नजर नहीं पड़ी देखिए बर्बाद करने का वही तरीका <laughs> है कि आप इसको इनको फटाफट साइन कीजिए जेमिसन तो बॉलर है वो एक अलग उनका ढंग है लेकिन बैट्समैन का हमारा टेम्परामेंट कहाँ खराब हुआ है हमारे पास भी ऐसे बहुत से टैलेंट होते थे शुरू में होते थे लेकिन वो ये कहते हैं ना स्विच ऑन स्विच ऑफ तो होते नहीं आप लगातार ऐसी क्रिकेट खेलते हो जब आप शॉट्स को कनेक्ट करना शुरू करते हो हर एक बॉल को वेस्ट नहीं करने दे, देना चाहते हो इनफैक्ट इन इन आल्सो विजय जब तक हम शुरू में मैंने टिल आई वुड से टेन ईयर्स बैक हम कभी टेस्ट क्रिकेट में ये कभी नहीं लिखते थे गांगुली स्कोर फिफ्टी सिक्स ऑफ दिस मैनी बॉल्स नहीं हम मिनट्स बताते थे या हम बताते आफ्टर सिक्स आवर्स ऑफ यू नो प्ले ही वाज देयर फॉर सिक्स आवर्स एंड ही प्लेड अब तो एक अब अब मैं देख रहा हूँ ये जो लेटेस्ट हाँ। ये वो आजकल हर जगह आप कहीं भी जाइए

तो ये एक चेंज हो गया तो कॉम का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अभी वो उस माइंड सेट से आए हैं जहाँ पर इतनी बड़ी और अच्छी इनिंग्स खेल रहे हैं उनका एक और असली टेस्ट होगा क्योंकि अब वो जल्दी अब तो राडार पे होंगे वो उनको कोई बांग्लादेश क्रिकेट लीग कोई आई सब उनको बर्बाद करने के लिए तैयार होंगे कि अब इस लड़के को हमने बिल्कुल वनडे वाला बनाना है तब असली टेस्ट होगा क्या वो उसको बना के रख पाएंगे हमारे पास हैं विराट कोहली है जो दोनों तरफ को करते हैं एक हेल्दी वो करते Balance हैं इनफैक्ट कर रोहित की ये इनिंग्स देख के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट वो पेशेंस थी कि आप कर पा रहे हैं क्या वो कर पाएंगे लॉन्गर रन में वो एक इम्पॉर्टेंट होगा। यस एंड ऑफ कोर्स वी आल्सो हैव अ कॉलर आई कम टू यू विजय हैड अ क्वेश्चन इन माइंड बट लेट्स टेक अ कॉलर फर्स्ट ऑफ ऑल हाई गुड इवनिंग नमस्कार हेलो हाँ नमस्कार जी मैं नमस्कार। शिवराम सिंह बोल रहा हूँ दिल्ली से आपका स्वागत है शिवराम सिंह जी बताएं क्या औ, सवाल है और और मैं ब्लाइंड हूँ मैं ये जानना जी, चाहता हूँ कि जब वहाँ पर बारिश का सीजन होता है इस टाइम में हाँ, तो इस सीरीज को क्या खराब करने के लिए वहाँ पर रखा गया जी आपने सवाल जी, तो बहुत अच्छा पूछा हम इसी बारे में अभी थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे चलिए आपके सवाल को हम ले लेंगे बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए आई थिंक जेंटलमैन जी जी ऐसा होता है इतना पैसा लगता है लोगों का और उसमें कोई रिजल्ट ना निकले बारिश की वजह से तो ये गलत गलत होगा। आप आप सही बोल रहे हैं। आप बिल्कुल गलत नहीं बोल रहे रहे हैं बिल्कुल नहीं शिवराम जी आपके सवाल को हम लेंगे जरूर। uh, कौन बोल रहे हैं हेलो बोल रहा हूं बिहार से जी कौन से जिले से बेगूसराय जिले अच्छा बेगूसराय से जी बताइए आलोक जी दो सवाल थे सर हमारे पूछिए पहला ये था कि पांच दिनों का टेस्ट मैच है तो सारे चार सौ तो होने चाहिए अच्छा जब टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है ये ठीक है दूसरा ये है कि जब हम रणजी ट्रॉफी के फाइनल में जी पहली पारी के बढ़त के आधार पर विजेता घोषित कर देते हैं जी तो ऐसा यहाँ भी होना चाहिए आईसीसी के हिसाब से तो यानी आपके दोनों में से एक चीज होगी या तो साढ़े चार सौ ओवर होंगे या फिर दोनों की एक बारी दोनों चीजें होंगी यहाँ या।, या तो दोनों एक में दोनों में ही रिजल्ट आएंगे आपके ठीक है ठीक है तीसरा ये शुभकामना है हमारे न्यूजीलैंड के लिए कि उनको कम से कम दूसरी आईसीसी ट्रॉफी तो मिलेगी

तो उसके पॉइंट्स मिलते हैं और ये पॉइंट सिस्टम इसलिए शुरू हुआ क्योंकि वो एक तरफ़ा मुकाबले देखने को मिलते थे वो सब ड्रॉ के खेलने की कोशिश करते थे अभी थोड़ी देर पहले जो आप जिक्र कर रहे थे ना रनों का और गेंदों का अगर आप कुछ देखें तो टेस्ट मैच क्रिकेट जब एक समय वेस्ट इंडीज़ का दबदबा था दस बारह साल उन्होंने टेस्ट क्रिकेट के ऊपर राज किया वो इसलिए कि उनके पास चार या पाँच इस तरीके के गेंदबाज थे कि वो बीस विकेटें लेने की काबिलियत रखते थे और उस समय साठ सत्तर ओवर से ज़्यादा नहीं होते थे दिन में तब भी रिजल्ट निकलता था फिर ऑस्ट्रेलिया ने जो क्रिकेट के ऊपर राज किया वो इसलिए क्योंकि उनके एक कोच आए उस समय तो पे जॉन बुकैनन जो क्रिकेट ज़्यादा नहीं खेले थे लेकिन और जो ये आंकड़े हैं ना इन पर उनका बड़ा ध्यान रहता था तो उन्होंने कहा कि अगर आपको टेस्ट मैच क्रिकेट जीतनी है तो आपको तीन रन तीन रन प्रति ओवर बनाने होंगे जिससे आप डेढ़ दिन के अंदर साढ़े चार सौ से ज्यादा रन बना सकते हैं और फिर आपकी गेंदबाजी के पास साढ़े तीन दिन है रिजल्ट करने के लिए और अगर आप देखें तो वो चलन ऑस्ट्रेलिया ने शुरू किया और सबसे ज्यादा मैचेस उस समय ऑस्ट्रेलिया जीती और टेस्ट मैच क्रिकेट जो सबको एक डर था और अब तक एक भय है कि टेस्ट मैच क्रिकेट की तरफ लोग नहीं आते हैं और जब इस तरीके से देखने को मिलता है तो आप ज़्यादातर लोगों को दूर कर देते हैं टेस्ट मैच क्रिकेट से जो वापस आने लगे हैं लोग जो रिज़ल्ट का मजा आने लगा है जो हर सेशन में गेम बदलता है वो टेस्ट मैच क्रिकेट की असली खासियत है तो इस वजह से आप वो वो रिज़ल्ट देखना चाहते हैं और इस वजह से आप देखें तो वो जल्दी रन बनने शुरू हुए अंपायर्स ने ये करने की कोशिश करी कि नब्बे ओवर आपको डालने ही डालने हैं तो वो सारे रूल इसीलिए चेंज करे गए वो जो कह रहे हैं ना वो पहला वाला जो चीज़ थी उनकी कि वो उतने ओवर होने चाहिए 540 सौ चालीस जो भी वो कह रहे हैं नब्बे देखिए है तो। उतनी काबिलियत आजकल जो इतनी शॉर्ट फॉर्मेट हम खेलने लगे हैं ना अगर पूरे पांचों दिन का खेल होता है ना तो दस में से आठ मैचों का रिजल्ट अब निकलता आ, है आप लड़कियों का मुकाबला देख लीजिए अगर उसमें पांचवा दिन होता तो रिजल्ट पक्का

Who would you prefer, uh, Shefali Verma with the aggressive <laughs> style, Sneha Rana absolutely out of the blue, you know, defending and saving the match? Would you like to say Deepthi Sharma did the trick with her all-round effort, very solid? Or were you impressed with Ecclestone, the spinner from England? Uh, yes. You know, England. It was a well, beautiful match. Well, very good match. I I, I think everybody who has seen this match they were glued to, the, yes. to their tele television yes. sets and i have not seen any anything more entertaining yes. in the women's cricket yes I, I would say but again this is a different breed i would say this is a different generation and look at shefali

और तानिया भाटिया के लिए वापसी है इससे पिछली श्रृंखला जो खेल रहे थे हम साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो टीम में नहीं थी और मैं प्लेजेंटली सरप्राइज हूँ उनकी बल्लेबाजी के क्योंकि मैं वुमेन मुण, क्रिकेट बहुत फॉलो करता हूँ डोमेस्टिक क्रिकेट में हम उसको कवर भी बहुत करते हैं विकेट कीपिंग उनकी बहुत बढ़िया है लेकिन उनकी बैटिंग अगर आप देखें और इस टेस्ट मैच में भी देखें विकेट कीपर आज वर्ल्ड क्रिकेट में नंबर नौ पे बल्लेबाजी बल्लेबाजी करने नहीं आते तो, तो उनकी पिछले कुछ समय में बहुत नीचे की तरफ आई है उसका जो ग्राफ है मुझे लगता है कि इस पारी से शायद उनको वो विश्वास आएगा और वो थोड़ा ऊपर बल्लेबाजी करेंगे तो फिर आपकी कॉम्बिनेशन भी चेंज हो सकता है लेकिन बहुत बहुत बढ़िया क्रिकेट और टेस्ट मैच क्रिकेट की खूबी है आप हर सेशन के हिसाब से ना आप प्लेयरों को पिक करते हैं कि कौन कब काम आने वाला है और वो काम आए और शेफाली के लिए भी मैच से पहले क्यास लग रहे थे वो खिलाएंगे जरूर खिलाएंगे उनका डेब्यू होगा

need to come back to the India New Zealand game also and I think we also have some listeners yes, calling uh, us uh, in Amit okay yes. so let's take their call sabse pehle hi good evening namaskar ha to hello. hello hello namaskar good evening ji good evening mera naam raza hai ji raza राजा जी, जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे show में बताएं क्या सवाल है आपका मेरा ये सवाल था कि शेखर धवन ने कितने test match खेल भी चुके हैं तो उनको

कि जैसे मान लीजिए भारतीय टीम जो बहुत स्लो बैटिंग की हाँ जी और लंबी पारियां भी नहीं कर पाए हमारे बड़े बड़े खिलाड़ी खिलाड़ी वैसे तो बहुत महान महान है इस टीम में जी तो जब टिककर बैटिंग कर पाए और बड़ी पारी भी नहीं खेले तो उनके टिककर बैटिंग करने का मतलब मुझे समझ में कम आया जी शुक्रिया विजय 217 रन पर भारी भारत की पारी सिमटी 92.1 ओवर्स वो कह रहे हैं कि इतना धीमा रन रेट जी हाँ धीमा रन रेट बिल्कुल सही वो कह रहे हैं और एक और वो जिस लिहाज से ये कह है रहे हैं ना उसमें मैं एक और चीज़ जोड़ देता हूँ आप ये कहने की कोशिश करते हैं कि जब एक बल्लेबाज समय ले लेता है ना जब आपने समय ले लिया आपने एक सेशन बल्लेबाजी कर ली तब आपने भाप लिया कि परिस्थितियाँ किस तरीके की हैं हर गेंदबाज को आपने खेली तो फिर आप उम्मीद करते हैं कि उस पारी को आप आगे ले लेके जाने की कोशिश करेंगे देखिए एक बैटिंग कोच या टीम के साथ जो कोचेज़ होते हैं उनका सबका यही मानना होता है कि आप पहले दस पंद्रह रन के अंदर आउट हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अस्सी नब्बे बॉल भी आप खेल लें चालीस पैंतालीस रन भी आप बना लें फिर अगर आप आउट हो जाए तो कहीं ना कहीं वो आपकी कॉन्सन्ट्रेशन में कुछ गड़बड़ वहाँ पर रही और उसी तरीके से रहा एक बहुत बढ़िया स्थिति में थी भारतीय टीम और वहां से अगर आप देखें तो फिर न्यूजीलैंड ने कमाल की वापसी करी है yes. तो शायद उनकी जो बात है वो यही है लेकिन जब आप पहले बल्लेबाजी कर रहे होते हैं ना तो आप और ऐसी कंडीशन में जहाँ पे आपको पता है कि टेस्टिंग कंडीशन है आप अपना पूरा समय लेते हैं ये कोशिश करते हैं टेस्ट मैच क्रिकेट के ज़्यादातर रिजल्ट निकलते हैं जब आप पहले बल्लेबाजी करते हैं एक अच्छे रन्स बोर्ड पर लगा देते हैं चाहे टाइम आपने थोड़ा अधिक ले लिया हो वही शायद भारतीय टीम कर रही थी और फिर

आई डोंट नो क्योंकि इस तरह की कोई चीज़ नहीं कि सिर्फ टेस्ट क्रिकेट से मैं जा रहा हूँ और बाकी खेलेंगे लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग होती है टीम की तो वो सिलेक्टर सब उस तरह से सोचते ही नहीं है तो और वो कप्तान बने हैं अभी Correct. श्रीलंका जा रहे हैं हम yes. वनडे के लिए टी yes. ट्वेंटी के लिए तो वो एक अच्छी चीज़ तो पहली बात उनसे अब हम हमें आगे देखना होगा लेकिन शॉर्ट स्पेल रहा उनका जितनी उम्मीद थी पहला मैच अगर आपको याद हो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट और जिस तरह मोहाली में उन्होंने आगाज़ किया था कमाल का लेकिन उतना जस्टिफाई नहीं कर पाए लेकिन दूसरा ये भी है जो कॉन्सनट्रेशन की अभी हम लंबी बात कर रहे थे देखिए इंग्लैंड में खेलना इज़ वेरी डिफरेंट आप कहीं और सेट हो रहे हैं ये आपका लगातार चैलेंज भी आपको आंटीन्यूसली लोग चैलेंज करते हैं बॉलर्स चैलेंज करते हैं ड्यूक की बॉल हमेशा कर्तव्य करती रहेगी वहाँ की कंडीशन आई स्टिल रिमेंबर मुझे ईयर याद नहीं है इंग्लैंड वर्सेज साउथ अफ्रीका मैच चल रहा था साउथ अफ्रीका बहुत अच्छा खेल रहा था समवेयर आई थिंक ओवल में मैच था इफ आई रिमेंबर करेक्टली और सडनली थोड़ी देर बादल आए पंद्रह या बीस मिनट विजय और जेम्स एंडरसन ने चार विकेट निकाल दिया कंडीशंस तो ये, ये जो, condition, जो आपको चैलेंज करती है ये इंग्लैंड में बहुत डिफरेंट है जो न्यूजीलैंड में होता है लेकिन बाकी वर्ल्ड में कहीं और नहीं होता नहीं। आपको बाउंस तंग करेगा आपको बाउंसर मार रहे हैं इंडिया में आपको टर्न तंग करेगा लेकिन ऐसा नहीं होगा बादल का एक पार्ट आए और सडनली आपकी हवाओं के साथ

आपने 60 ओवर का जिक्र किया अगर मैं भारतीय खेमे में बैठा हुआ तो मैं 20 ओवर की तरफ नजर डालूंगा कि उन दोनों ने 20 ओवर खेले अक्सर आप ये कहते हैं जो ओपनर्स है ना उनका काम ये है कि नई बॉल की जो शाइन है उसको निकालें वो जो स्पेल्स है उसको निकालें और विकटें कहाँ पे देखें आप भारतीय टीम को जो जो विकटें भारतीय टीम की गई हैं वो फर्स्ट चेंज और सेकंड चेंज बोलर ने ली हैं तो वहाँ पर भी आपको ये रहता है कि नई बॉल आपने खेली थी लेकिन दूसरी तरफ ये दिखाता है कि काबिलियत आपके पास नंबर थ्री और नंबर फोर बोलर के पास है और नंबर फोर जिनको चार नंबर पर लाए थे जैमिसन उनके नाम पाँच विक्टें उन्होंने जिस तरीके की गेंदबाजी की जो आपने बाउंस का जिक्र किया अगर आप उनकी हाइट देखेंगे ये क्रिकेट में कहा है कि जिस पॉइंट से आप रिलीज करते हैं ना उनकी हाइट है और उसके बाद वो हाथ इतना ऊपर जाता है वहाँ जितना सीधे हाथ से आप गेंद रिलीज करेंगे उतना ज़्यादा बाउंस आपको प्राप्त होगा तो वो लगातार उनकी गेंदबाजी में देखने को मिला शुभमन गिल कदमों का अच्छा खासा इस्तेमाल कर रहे थे वो इसलिए कर रहे थे कि स्विंग को काउंटर करने के लिए वो तीन चार बार आगे चल के गए थे लेकिन वहाँ पर मात खाए पुजारा अक्सर वो शॉट खेलते नहीं है पुल शॉट लगाते नहीं है उस तरीके से तो जब आप किसी चीज़ को लगातार करते नहीं है ना तो आप दो मन के साथ करते हैं तो वहाँ पर वो उस शॉट को लगातार खेलते नहीं है कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट आता है फिर अब भी और थोड़ा गति से वहाँ भी धो हाँ गए थे जब तक उनका बैट जाता तब तक बॉल लग चुकी थी लेकिन आजकल की क्रिकेट में जब से हेलमेट आया ना तब से बॉल लगने के बाद उतना ज़्यादा वो इम्पैक्ट आपको नजर आता नहीं है आप थोड़ा सा समय लेते हैं हेलमेट चेंज करते हैं अंपायर डॉक्टर आके आपसे फिजियो आके बात करता है आपकी उंगलियां गिनाता है तीन सवाल पूछता है वो आपको yes. आपका नाम पूछता है आपका नाम क्या गिनतियां करता है और ये ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर uh, है लेकिन कोई पूछने नहीं आया चुपचाप झाड़ो कहा दूसरा हेलमेट होता था पहले तो अपना पूरी ग्यारह के पास छह होते थे वो एक दूसरे से काम चला लेते थे अब तो ये पक्का करा जाता है की अगर हेलमेट पे गेंद लगी है तो आपको वो हेलमेट चेंज करना है क्योंकि कनकशन का जो रूल आया है और जिस तरीके से ये सजगता आई है जो बहुत महत्वपूर्ण है आप किसी भी चीज को लाइट नहीं ले सकते कि एक जो हेलमेट आपका होता है ना वो सिर्फ एक ही चोट को झेल सकता है नहीं। उसके नहीं। 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 बाद वो हेलमेट आपको बदलना जरूरी है तो इस लिहाज से ये सारे रूल है जरूरी है बहुत अहम है देखने में बड़े फनी लगते हैं कई बार की क्या जरूरत थी वो तो रहा है लेकिन ये जरूरी है। जी yes. uh, जब हम ये बात कर रहे हैं तो अगर हम एक तरफ इंडियन इनिंग्स की बात करें और दूसरी तरफ अगर हम न्यूजीलैंड के इनिंग्स की बात करें तो uh, लूथरा जी आपसे पूछूंगी जब न्यूजीलैंड के प्लेयर्स उतरे तो उनका जो आपने बैटिंग स्टाइल और एक अप्रोच देखा जो माइंड देखा क्या आपको लगा दे वो मच मोर काम मच मोर सोटेड एंड मच मोर स्टेबल Yes. तो ये तो होना ही था देखिए yes. ये इट इट इज इज ऑल अबाउट अबाउट योर योर अप्रोच एंड कॉन्फिडेंस द वे आपके कदमों में जब शुरू शुरू में चलते हैं ना किसी भी बड़े बैट्समैन से पूछ लीजिए विजय तो यहां पर कईयों hmm. का बता देंगे hmm. जब भी कोई hmm. नया नया बैट्समैन काफी दिनों के बाद अंदर जाता है उसको सेटल करने में 10-15 रन इसीलिए काउंट नहीं होते hmm. आप शुरू में आउट हो जाए कोई बात नहीं आपको कोई कुछ नहीं कहेगा क्यों क्योंकि आप में वो आपसेटलमेंट रहेगी रहेगी लेकिन वंस यू आर सेटल तब आपका असली चय जो कहते हैं कैरेक्टर ऑफ प्ले एंड कैरेक्टर आएगा बाहर निकल के कुछ कॉलर्स हैं अपने प्रश्नों के साथ हेलो हां जी सर नमस्कार नमस्कार जी जी विकास बात कर रहा हूं राजस्थान हनुमानगढ़ से जी विकास जी जी सर मेरा पहला सवाल तो ये है कि मेरे पास जो रेडियो सेट है वो है नहीं मैं कहीं बाहर बैठा हूं काम कर रहा हूं तो क्या जो बरसात है वो बंद हो गई है नहीं जी बरसात बंद नहीं हुई विकास जी तो सर मेरा यही अनुमान है कि हमारे पास अब भी दो दिन पड़े हैं और दो दिन में वो भारत भारत बहुत कुछ करेगा और की जीत हासिल होगी सर विकास जी मैं आपसे कभी नहीं मिला पहली बार मुखातिब हो रहा हूं लेकिन मैं बता सकता हूं आपके व्यक्तित्व के बारे में कि आप बहुत आशावादी हाँ, इंसान हैं थैंक यू एक और कॉलर है साक्षी जी नमस्कार गुड इवनिंग क्या नाम है आपका बताए कहाँ से आप कॉल कर रहे हैं जी मेरा नाम है मोहम्मद निया बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में मोहम्मद जी क्या सवाल है आपका मैं जमशेदपुर से बोल रहा हूँ जी बताएं स्वागत है आपका हमारे शो में क्या पूछना चाहेंगे आप हमारे एक्सपर्ट से आज अच्छा ठीक है हम आपको उसके बारे में बताएंगे जरूर लेकिन लो, लोकल रेडियो स्टेशन पे अपने सारे लिसनर्स को हम बता दें कि लोकल रेडियो स्टेशन पे आप सुन सकते हैं पूरी कॉमेंट्री बहरहाल अभी तो फिलहाल कॉमेंट्री भी हो नहीं सकती है बिकॉज आप सभी जानते ही होंगे इस बात से वाकिफ़ होंगे कि बारिश हो रही है साउथ हेम्पटन में और आज अगर हम देखें तो आज का पूरा गेम जो ऑफिशियली अगर हम देखें तो टिपिकली इट इज़ द थर्ड डे लेकिन दूसरा दिन जब से खेल शुरू हुआ है आज का दिन लग नहीं रहा है कि बारिश की वजह से खेला जा सकता है कमिंग बैक नाउ टू द डिस्कशन दैट वी व जस्ट हैविंग अबाउट कि किस तरह से न्यूजीलैंड के प्लेयर्स वैन दे केम डाउन टू बैट उनका माइंडसेट ज़्यादा स्टेबल था हम उससे पहले थोड़ी देर पहले चितेश्वर पुजारा की भी बात कर रहे थे एंड चितेश्वर पुजारा को इज़ हेवली क्रिटिसाइज द फर्स्ट डे जब इंडिया ने अपनी फर्स्ट इनिंग्स खेली थी अबाउट द फैक्ट कि किस तरह से उन्होंने 50 गेंदें ली तब उन्होंने पहला रन बनाया उनके हेलमेट को इनफैक्ट चार बार बॉल लगी क्या टेक्निकल डिफिकल्टीज हो रही है उनको उनकी गेम प्लानिंग में जिसकी वजह से विक्रम राठौर ने भी काफ़ी उनको डिफेंड किया उसके ऊपर आपका क्या टेक है वह जी क्या बहुत ज़्यादा क्रिटिसिजम के वो

अहमियत है इस टीम के अंदर और वो बहुत ज़रूरी है कोई ऐसा नहीं है कि आज पहली बार ऐसा हुआ हो कि उन्होंने इतना समय लिया हो खेलने का Correct. अगर टीम मैनेजमेंट उनकी वो वो उनकी कीमत जानती है और उस लिहाज से वो टीम में है और बाकी सारे लोग उस लिहाज से खेलते हैं उनके आसपास खेलते हैं हेलमेट पर गेंद किसी की भी लग सकती है वर्ल्ड कप फाइनल के अंदर <laughs> मुझे याद <laughs> है रिकी पॉन्टिंग के सर पर श्रीनाथ की गेंद लगी थी उसके बाद रिकी पॉन्टिंग का जो व्यक्तित्व है श्रीनाथ उनसे पूछ रहे थे लगी तो नहीं और रिकी पॉन्टिंग उनको बड़े प्यार से कह रहे थे वो किस लैंग्वेज में कह रहे थे मैं ये नहीं कहना चाहता कि जाके आप गेंद करो फिर अगली दो गेंद के बाद उन्होंने फ्रंट फुट से उनको पुल लगाया था छः रन के लिए तो ये ये चीज़ें चलती रहती हैं ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं होगा जिसके हेलमेट पर ना लगे हो ग्रेट सचिन तेंदुलकर हो या कोई भी हो गेंद गें, किसी को भी लग सकती है तो मुझे लगता है ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है लेकिन क्रिटिसिज्म होना एक आम बात है जब तक जैसा जहाँ से आप खेलना शुरू करते हैं और यहाँ तक पहुँच जाते हैं और यहाँ आप टिके रहते हैं ना तो वो क्रिटिसिज्म की आदत हो जाती है और वो बहुत जल्दी हो जाती है आप तो पुजारा की बात करें जो पक्के इतना ऊपर पहुँचे पंत को आदत हो गई है क्योंकि पंत से आप हर बार ये उम्मीद कर रहे हैं जब भी जाएंगे ना

उनको 20 एक ओवर में 130 रन का आंकड़े देकर क्या विक्ट्री के लिए जा सकती थी क्या हम यहां केन या से अपेक्षा कर सकते हैं कि अगर कल कुछ खेल हो तो इस तरह का कुछ डिक्लेरेशन हो जाए? महिला टीम हो या पुरुष टीम हो आपको 20 विकेट लेने क्या उतने ओवर में आपकी टीम वो दस विकेट ले सकती है पहली चीज तो ये अगर आप ले ही नहीं सकती और फिर आप रिस्क ले रहे हो मैच हारने का क्यों ये चांसेस हो सकते टी आजकल आजकल लड़कियां भी तो काफ़ी ये टी ट्वेंटी और ये सब खेल रहे हैं वो चांस लेना ठीक था या ड्रॉ के लिए खेलना इंडिया की विक्ट्री जो है वो मैच बचाकर ड्रॉ करना है उनके लिए ये हार है या उनके लिए ये ड्रॉ है हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी जीत थी कि हम तो नीचे से ऊपर की तरफ आए तो मुझे नहीं लगता कि मिताली को को ये सब करना कि कि मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कोई चांस लेना चाहिए खत्म <laughs> मुझे, विजय मुझे, 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 मुझे मैं मैं ये कहना चाह रहा कुछ और हाँ, बात थोड़ी सी मैं बड़ी चीज़ बोलने वाला हूँ यहाँ पर हमारे यहाँ कई बार हर फील्ड में ना ग्रेड को शायद ग्रेड बनना आता नहीं है एक सही समय होना चाहिए जहाँ पर आप एक ग्रेस के साथ कहें कि अब मुझे चलना चाहिए लेकिन मुझे लग रहा है कि इस समय भारतीय टीम में झुलन गोस्वामी और हमारी जो मिथाली राज हैं शायद वो अगले साल जो वर्ल्ड कप होने वाला है उसका इंतजार कर रही है कि उस वर्ल्ड कप में शायद उसके साथ ही वो जो जो पर्दा गिरता है शायद वो गिरता हुआ नजर आएगा अगर इस टीम के तरफ आप और दूसरी तरफ नजर डालेंगे ना तो ये एक बहुत ही लाजवाब बनती हुई टीम है इसके साथ एक नया कोच बना है जाके अभी लगा है वो ऐसा कोच है जो पिछले कुछ समय तक क्रिकेट खेल रहा था उसका बहुत फ़र्क करता है कोई भी होता अगर इस एज ग्रुप का लगता तो वो उस उस सोच के साथ जाते हैं वहाँ पर इस टीम के साथ जुड़ने के लिए कमाल का पोटेंशियल है इस टीम में आप इस टीम को बिल्कुल फेयरलेस बना सकते हैं जो भी आपने चीज़ कही ना मैं उसमें एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा जीत छोड़िए कई बार क्या होता है रिजल्ट मिले ना मिले आपकी इंटेंशन क्या है चाहे वो दस ओवर के लिए अंदर डाल बिल्कुल विराट कोहली का अगर आप देखें तो कई बार उनकी बल्लेबाजी इतनी अच्छी है की कप्तानी का क्रिटिसिजम साफ नजर आता है कई बार उनके अगर आंकड़ों आप किसी कप्तान को देखना चाहते हैं तो इंडिया के लिए उनके आंकड़े बहुत लाजवाब है लेकिन कप्तानी सिर्फ आंकड़े नहीं है नहीं। कई ऐसे कप्तान रहे हैं जिनके आंकड़े कुछ नहीं थे Correct. लेकिन उनका समय पे वो डिसीजन लेना उनको कप्तान बनाता है बहुत जरूरी नहीं है कि जो टीम का सबसे बढ़िया प्लेयर हो वो आपका कप्तान हो right. कप्तान वो हो जब जरूरत हो तब खड़ा हो ना yes. सिर्फ रनों से अपनी सोच के साथ भी और अच्छा वो जो ये जानता हो कि कौन से खिलाड़ी का कौन सा बटन दबाना है उससे बढ़िया प्रदर्शन लेने के लिए तो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं और खासकर तब जब इंडिया के बाहर आप खेल रहे हो टेस्ट मैच क्रिकेट खेले हो आपको अरसा हो गया है तो आप पॉजिटिव चीज करिए आप ये दिखाइए कि देखिए हम ये खेलना चाहते हैं फॉर्मेट हम ये करना चाहते हैं तो उस लिहाज से मुझे चाहिए था, था जीतने का मादा रखते हैं हमने ड्रॉ करने के लिए नहीं खेले नहीं। कोई बात नहीं अब जब अगली बार कभी मिलेंगे चाहे मैं खेलना रही हूँ लेकिन हो सकता है उस ट्रेडिशन को मेरे आने वाले जो युवा खिलाड़ी है वो कंटिन्यू रखें क्योंकि कई बार क्या होता है कि इसमें बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो जब तीन चार साल की होंगी जब मिथाली राज ने खेलना शुरू किया होगा तो अगर वो उनको देख रही हैं कि सेफ खेलना है तो वो कहेंगी अगर मिथाली दी सोच रही हैं सेफ खेलना है तो शायद यही क्रिकेट खेलने का तरीका yes. है जब हमारी कभी बारी आएगी तो हम भी ऐसे ही खेलेंगे hmm. लेकिन वहीं अगर वो उनको देखें कि नहीं अगर जीतना है तो दूसरे के पाले में घुसना पड़ता है hmm. तो वो Correct. एक, एक, एक स्टाइल ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलनी शुरू करती है जो इंडिया मेन्स क्रिकेट ने पिछले कुछ समय में करी है और जिसकी वजह से जो उनका उहदा है वो बढ़ता हुआ नज़र आया और मुझे लगता है कि ये बदलाव भारतीय जो वुमेन टीम है उसमें भी बहुत जल्दी नजर आएगा an जहाँ पर क्योंकि हम माइंड की बात करें आपने इतनी अच्छी बात रखी भी वुमेन्स क्रिकेट को लेकर तो चलिए मेन्स क्रिकेट की अगर बात करें तो दो दिन वेरी गुड पॉइंट वन थॉट कि अभी ऑफिशियली एंड टेक्निकली एक ही दिन बचा है परसों hmm. uh, तक गेम जाता है कि नहीं जाता है ये अभी नहीं पता कल पता चलेगा क्या होता है तो लूथरा जी मैं आपसे ये पूछूंगी कि आज का दिन अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डन है अगर हम कल की बात करते हैं यस एंड लूथरा जगर हम कल की बात करें वेरी क्विकली ना आज का दिन तो ऑलमोस्ट कौन है कल जब टीम्स खेलने आती हैं डू यू सी दिस गेम जो अमित कहे भी रहे थे अभी उन्होंने सजेशन दिया कि काश अगर क्या कोई भी कैप्टन अग्रेसिव होके खेलना चाहेंगे डू यू सी एनी काइंड ऑफ गेम इन अ गुड इंटरेस्टिंग वे हैपनिंग टूमोरो की दिस कुड बी जस्ट अ वेरी क्लियर कट हेडेड ड्रॉ जिसको आप देख रहे हैं देखिए डिपेंड करता है दोनों कप्तानों की क्या सोच है बहुत पहले जब uh, के कप्तानी में थे एक बार कप्तानों ने डिसाइड किया हम वनडे खेल लेंगे तो उन्होंने टेस्ट मैच क्योंकि चार दिन खराब हो चुके थे पांचवें दिन खेले और मैच डिसाइड हो गया कैन यू डू दैट लेकिन वो तभी होगा जब आप फर्स्ट इनिंग्स को भी तो निगेट करना पड़ेगा फर्स्ट इनिंग्स में जाकर आपको सोलह रन या तो ये दो के आसपास पहुंचे और डिक्लेयर कर दें देन यू डिसाइड के लास्ट में पचास ओवर पड़े प्ले ट्वेंटी मतलब ये इतना आसान नहीं है सब कुछ क्योंकि अगर आप ये डिसाइड हो जाए कल कि हम परसों भी खेल रहे हैं और दोनों दिन अच्छा मौसम हो कल का मौसम फिर से खराब होने वाला है तो ये आपके पास फाइनली एक दिन पे रहेगा तो आप अभी तो ये डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे विद विद हंड्रेड एंड समथिंग फॉर टू तो ये डिसाइड करने की, शुरुआत की थी कि भाई निर्णय लेने में क्या शेखर हमारी मदद करेंगे विजय साक्षी लेकिन हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपके सवाल विजय आपसे पूछता हूँ आज इक्कीस जून है सातवां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस क्या योग करने से जिंदगी के उतार चढ़ाव हम ज्यादा सह सकते हैं कि अगर बारिश हुई और अगर रद्द भी हो गया तो कोई बात नहीं दोनों केन विलियमसन और विराट कोहली शेयर करेंगे ट्रॉफी लेट्स दैट उसके अलावा तो कोई चारा है नहीं या तो आप खुशी खुशी कर लो और योगा आपको ये सिखाता है कि आप <laughs> अपने अपने साथ दोस्ती कर लो <laughs> वही वही योगा का सबसे बड़ा और मैं अपने व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूँ <laughs> कि यह एक कमाल की चीज है और ये मदद करती है और ये एक ऐसी चीज है जो आपको एक घंटे करने की जरूरत नहीं है <laughs> अगर पांच या दस मिनट भी आप करना शुरू करेंगे <laughs> लेकिन रेगुलर करना शुरू करेंगे ना इसका असर आपको बहुत जल्दी आसन करते हैं ध्यान ध्यान तो नहीं लग पाता है लेकिन हाँ आसन जरूर करता हूँ क्योंकि आप ये ध्यान लगाने वाली बात है जितना ज्यादा जल्दी कर लेंगे उतनी आदत पड़ सकती है जितनी ज्यादा दुनिया देख लेंगे उतना ध्यान हट जाता है शेखर योग करते हैं देखिए योग करते हैं लेकिन आजकल जैसा थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि लॉकडाउन में थोड़ा सा मेरा, मेरा थोड़ा है, को काम करता हूं, तो शायद लेकिन यस थ्रू आउट द लाइफ मैं स्विमिंग और योग ऐसा ही चीज रही है जिसमें रहा हूँ एंड आई एंजॉय अभी देखिए सौ रन का अंतर है दोनों अगर कल मैच होता है पूरा दिन और वहां पर दो सौ रन की लीड न्यूजीलैंड लेने में कामयाब हो जाता है तो फिर आप आखिरी दिन जरूर जाएंगे क्योंकि जैसी कंडीशन है ना उसमें अगर आप देखें तो पहली पारी में भी तो भारतीय टीम 217 पे हो गई थी और अक्सर इस कंडीशन में ये होता है कि जब आप दूसरी बार बल्लेबाजी करते हैं तो और कम रन बनते हैं तो वहां पे आप निर्णय सोच सकते हैं लेकिन अगर कल कुछ ऐसा हुआ कि ना विकटें गिरी ना रन बने तो फिर थोड़ा सा मुझे लगता है कि मुश्किल हो जाएगा पाए कि छठे दिन गेम जाए तो कल बहुत महत्वपूर्ण दिन है इस लिहाज से कि खेल कितना होता है और उस खेल होते में दोनों टीमें खड़ी कहाँ पे है एग्जैक्टली आई थिंक अमित दैट्स सम आज की हमारी बातचीत वी वुड लाइक टू थैंक हमारे दोनों एक्सपर्ट्स चंद्रशेखर लूथरा जी और विजय दैया बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद एंड टू ऑल लिसनर्स ऑल्सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन ड्रेसिंग रूम लंच आवर वेल टेक्निकली इट्स लंच आवर लेकिन अमित

आज के दिन में एक भी गेंद नहीं डाली गई है वर्षा से खेल अभी भी बाधित है तो ड्रेसिंग रूम में हम आपसे इजाज़त लेते हैं और आपको छोड़ जाते हैं फिल्म संकट